हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी सिलेक्टर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्वेश्चन जिसमें दो एंगल और उसके बीच की साइड दे रखी है ट्रायंगल में और हमें बाकी की दोनों साइड निकालनी है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने का यूजुअल मेथड है, हम लोग साइन अप्लाई कर सकते हैं, साइन का फॉर्मूला, और ये क्वेश्चन कर सकते हैं। पर इस क्वेश्चन में जो एंगल्स दे रखे हैं दैट आर 60 एंड 45, और ऐसे केस में हम लोग एक दूसरा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखिए वो मेथड क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ऑन बीसी। ये 90 डिग्री का एंगल है। अब देखिए ट्रायंगल एबीडी में एंगल बी 60, एंगल डी 90 है, तो एंगल ए 30 डिग्री का होगा। यहां देखो ये 90 डिग्री है, दिस इज 45, तो एंगल ए 45 का होगा। अब दोस्तों, ट्रायंगल एबीडी की बात करें तो इस ट्रायंगल में अगर मैं इसको, इस पॉइंट को, बीडी को एक्स मान लूं, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एबी को भी और एडी को भी। और वो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैं टेन थीटा लगा दूं तो पी बाई बी होता है टेन 30। बी एन एस अपोजिट साइड जो एक्स है, बी एन ए बेस एडी है, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 हुई, तो एडी की वैल्यू हो जाएगी √3x। ये वैल्यू होगी √3x। दोस्तों, इसी तरह से हम लोग ए बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसी ट्राइंगल में साइन थीटा लगाकर, वो पी बाई एच होता है, तो ये साइन 30 हुआ। पी यानी अपोजिट साइड, एच यानी हाइपोटेनियस जो ए बी है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ए बी की लेंथ 2x आ जाएगी। दोस्तों, ट्राइंगल ए सी डी की बात करें अगर हम लोग, तो उसमें हम लोग लगा सकते हैं 10 45, बी बाई बी है, थीटा हम लोगों ने सी को लिया है, 10 45 की वैल्यू, पी परपेंडिकुलर ए डी है, बेस सी डी है, 10 45 1 होता है, ए डी की वैल्यू √3x हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो CD की लेंथ आ जाएगी हमारे पास √3x। और इसी तरह से AC अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग साइन थीटा लगा सकते हैं, P by H होता है साइन 45, परपेंडिकुलर यानी अपोजिट साइड हुई, हाइपोटेनियस यानी AC हुआ, AC की साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, √3x अपॉन AC, तो AC की लेंथ √2 × √3 √6x हो गई। अब दोस्तों, BC की लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है जिसकी वैल्यू x प्लस √3x है, तो x प्लस √3x अगर हम लोग कर लें BC को, x प्लस √3x, BC की लेंथ 10 है, x कॉमन ले लिया जाए √3 + 1, so we'll get the value of x as 10 upon √3 + 1, rationalize कर दे इसको, √3 - 1 से multiply और divide, so x की value 10 √3 - 1 upon √3 का square 3, 1 का square 1, 2 हुआ, 2 से 10 को cancel out कर दो तो 5 √3 - 1, this is the value of x। तो हमें calculate करना था AB की length, वो 2x है, और AC की लेंथ √6 है। अब हम लोग AB की वैल्यू निकाल लेते हैं 2x, x की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट कर ली है, वो वैल्यू पुट कर देते हैं 2 × 5 √3 - 1, 10 √3 - 1 आंसर हो जाएगा। ये हमारा AB की लेंथ आ गई। और अगर हमें AC की लेंथ निकालनी है, वो x √6 है, x की वैल्यू पुट कर दीजिए,
फाइव रूट थ्री माइनस वन रूट सिक्स, तो फाइव रूट सिक्स रूट थ्री माइनस वन इज द वैल्यू ऑफ ए सी। दोस्तों इस मेथड से हम लोग यहाँ पर ए बी और ए सी कैलकुलेट कर सकते हैं फास्ट। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।